नमस्ते। इस महीने का स्टॉक, जी हाँ, देरी हो गया है, 5 तारीख हो गया। एज यू नो, फंड का शॉर्टेज है और मैं बीमार थी 2 महीने तक, तो आज नहीं, 2-3 दिन से आ रहा है। एक लॉट पूरा मैंने ऊपर रखा दिया है, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बैकग्राउंड स्कूलिंग यहाँ होता ही रहेगा। ये स्पेंसर से आया है, इसका 6 ऐसा पैकेट है, ऊपर रखा हुआ है, कुछ किचन में रखा हुआ है। आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि क्या क्या आया है। मारी का है, इस बार आया है सनफीस्ट ITC का, और है पार्ले का मारी। यहाँ है, यहाँ सब मिला के, पेटी वेटी में सब मिला के 50 से 60 है, टोटल 100 आया है। अभी 200 के करीब लगता है, क्योंकि बच्चे बढ़ गए हैं, 200 के करीब लगता है। तो अभी मैंने 100 मंगवाया है, यहाँ 50 है, किचन में 50 है, और लास्ट मंथ का जो है वो 6 पैकेट मैंने ऊपर रख दिया है। 6 पैकेट, 6 पेटी नहीं, गलती हो गई थी, 6 पैकेट। और मेरा महीने का खाना जो है वो है ग्लूकोज। अच्छा, बच्चे अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मैंने राइस नहीं लाया है, सिर्फ रॉ फिश ला रही हूँ, तो बच्चों को दे दे रही हूँ रॉ फिश, रोटी, ब्रेड, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिक्स करके, और बिस्किट तो ऑब्वियसली आप देख ही रहे हैं। और महीने का जो है वो है ये टूथपेस्ट, स्मेलिफाई एसेंशियल। अच्छा, मुझे तो डॉक्टर ने कॉफ़ी से बिल्कुल परहेज करने के लिए कहा, फिर भी एक स्टॉक के लिए या कोई मेहमान आएंगे उनको तो कुछ किसी चीज़ का परहेज नहीं है। तो ये मैंने पहले भी बाहर बोला था आप लोग, ये फ्लिपकार्ट का है, तो ये ब्रांड आप टेस्ट कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड। हाँ, ऑब्वियसली नेस्कैफे से बराबरी कोई नहीं कर सकता, बट बेटर देन ब्रू। इट्स अ प्रीमियम, जो प्रीमियम है इसका दो है, एक है ब्लैक कलर का और एक मेरून। अगर आपको लेना है तो ये लेविस्टा का प्रीमियम का लीजिएगा, बहुत सुंदर। मैं तो विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क लेती हूँ, रॉ ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, तो इसका जो एरोमा है उससे ही आधा पेट भर जाता है। तो दिस इज मैंडेटरी ऑल्सो फॉर मी समटाइम्स, वंस इन अ मंथ। अच्छा, ये फारूक जी का आया है, वो शूट्स मेरा कर रहे हैं, और इस बीच उन लोग उनका ड्राई फ्रूट्स और उनका ये स्टीम वगैरह उनका खाना। मेरा है घर के लिए डेटॉल, इट्स मैंडेटरी, फ्लोर क्लीनर मैंडेटरी, मेरे हेयर के लिए नन अदर देन ट्रेसमी कंडीशनर। मैं ट्रेसमी शैम्पू या ट्रेसमी कंडीशनर के अलावा कुछ सोचती नहीं हूँ, दिस इज ऑल्सो एसेंशियल। अच्छा, ये है बाथरूम के लिए, ये है किचन के लिए, दीज आर रिक्वायर्ड, नमक, इसमें जैम है, वहाँ बटर है, ये मैं ब्रेड कभी कभी ब्रेड बटर ले लेती हूँ, चीज़ भी है, एक छोटा सा पैकेट चीज़ है। सो ऑल दिस, एंड हाँ, नॉट टू फॉरगेट, आई बॉट ओडोनील की तरह एयर फ्रेशनर बाथरूम के लिए और अपने अपने घर के लिए, क्योंकि ये लोग घर का जो हालत करके रखते हैं, एक फ्रेशनेस की ज़रूरत है, तो ये भी मैं लाती हूँ। तो अभी इस महीने मैंने चावल नहीं मंगवाया, क्योंकि चावल अभी ये लोग खा नहीं पा रहे, और मैं बनाने में नाकाम होती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा, आप सोच ही सकते हैं कि मेरा क्या हालत हो रहा है, डे आफ्टर डे आई एम गेटिंग डिटोरिएटेड हेल्थ वाइज एंड मेंटली ऑल्सो, इतना कुछ हो रहा है, एक वंस एंड फॉर ऑल हो रहा है, मतलब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये है, और मैं कीमत नहीं बोलूँगी आप लोगों को, तो मैं सालों साल दिखा रही हूँ, हर महीने दिखा रही हूँ, तो अंदाज़ा आप लोग लगा ही सकते हैं। हाँ, वो पैकेट है, वो आपको फ्लिपकार्ट का है, वो भी उसमें ट्रेसमी शैम्पू है, और उसमें कॉकरोच मारने की दवाई है, हनी है, मैं हनी मंगवा के रखती हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, मैं थोड़ा सा हनी लेती हूँ बॉडी गर्म रहने के लिए, क्योंकि मैं तो शराब नहीं पीती, तो इसलिए बॉडी को गर्म रखने के लिए। ये मैं मिनरल वाटर लाई हूँ, जी नहीं, ये फ्लिपकार्ट से नहीं, ये मैंने जेप्टो से लाई हूँ, क्योंकि हम लोग का यहाँ जो अभी पीने का पानी जो आ रहा है म्यूनसिपैलिटी का, बहुत ही गंदा है, साफ़ नहीं है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जितना हो सके परहेज करना चाहिए, शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बस यही है। और
आप लोग देखते रहिए, आप लोग ने तो डोनेशन देना बंद कर दिया है, आप लोग के लिए 1 रुपये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो लोग पहले डोनेशन दिया करते थे इंस्टाग्राम वाले स्पेशली, जो लोग डोनेशन दिया करते थे उन लोगों ने भी बंद कर दिया है। अपनी अपनी सोच में तो जोर नहीं लगा सकती, तो आप लोग उन लोगों का के पीछे पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो लोग अश्लील वीडियो बनाते हैं और प्राइवेट करके वीडियो में यूट्यूब में प्राइवेट करके उसको फिर पैसे के अनुसार प्रीमियम अकाउंट में जाके पैसे के अनुसार रात को दिखाते हैं। तो अपनी अपनी सोच में, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरा जो मैंने जो कर्म किया है, मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उसको मुझे एकम्प्लिश करना ही होगा, क्योंकि बीच राह पर ये बेजुबानों को मैं छोड़ नहीं सकती। और ना ही मैंने जिन लोगों का, जिन डॉगीज़ का और भी मैंने लाइबिलिटीज़ बहुत सारे जगह में लिया है, जैसे कि उल्टाडांगा बोल के एक जगह है जहाँ मेरी जो मौसी गुजर गई वो रहती थी, तो वहाँ भी डॉगीज़ है, उनको भी कभी कभी फ़िश में कर, रोज़ नहीं दे पाती, कभी कभी फ़िश, और वहाँ भी बिस्कुट दिया जाता है। तो वहाँ एक मंथली खर्चा मैंने वहाँ के कमेटी में दिया दे के रखा है, तो वहाँ के लोग दे देते हैं। फिर मेडिकल तो इश्यूज होता ही है कि मेरे स्वास्थ्य खराब होना, मेरी मौसी का स्वास्थ्य खराब होना, फिर उनका गुजर जाना के बीच हो नहीं पाया है स्टरलाइजेशन, तो इस बीच स्टरलाइजेशन इसलिए नहीं हो पाया, तो उस कारण भूरी जो है, लाडो जिसको मैं बोलती हूँ, वो कंसीव कर रही है। होपफुली और भी बढ़ेगा मेम्बर्स घर में, और भी बढ़ेंगे, और 2-3 को मैं पता नहीं भटक के, जैसे मेरी काबली कहाँ चली गई आज तक नहीं मिली, 2-3 डॉगीज बच्चे हैं, डॉगीज भी नहीं, पपीज भटक के कहाँ आ गए, तो उन लोग को घर में नहीं रख सकती, गबलू उसको मार देगा। तो मैंने अपने गैराज में थोड़ा सा जगह करके रखा है, और कभी फिश आया तो दे देती हूँ, अभी वो फिश का आधी नहीं है तो बिस्कुट से शुरू करती हूँ, बस ऐसे ही चलती है कारवा, ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी एक ही मंशा है, जो मेरे द्वार पे आएगा कभी खाली हाथ या कभी भूखा ना जाए, मेरी एक ही मंशा है। और ये शिक्षा भी मेरे माता पिता की दी हुई है, कोई भी भूखा ना जाए को। और मैं, हाँ, जो चीज़ मैंने बंद कर दी है, मैंने लोगों को पैसा देना बंद कर दिया है, मैंने बहुत मदद किया इंसानों से, मैं दूरियाँ बढ़ा रही हूँ, पशुओं से मैं लगाव ज़्यादा जता रही, क्योंकि मुझे इंसानों से बहुत कुछ खराब मिला है और इन बेजुबानों से बहुत कुछ अच्छा मिला है। तो इन दिस हैप्पी नोट आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगले महीने का जब स्टॉक आएगा बिल्कुल आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए और नवरात्रि अच्छी तरह से मनाइए। नमस्ते।